ऊपर है ये ग्रेट यूनियन कैनाल और नीचे है ये औज रिवर के अंदर अंदर ये साइकिल भी चल रहा है और ये भी आ रही है। एक और पुल आ गया ये, हाँ, और एक और आ गई। या Yeah, Doro looked. I'm actually on the Grand Union Canal, which is my holiday hire. Next to that would be a room with a shower cubicle. Jump again. Yeah. ये रोबोट है जिसकी कि मैंने पहले वीडियो डाली थी। ये सड़क है और ये कैनाल है। ऐसे मौके कहाँ मिलेंगे भाई साहब? और आज का मेरा प्लान है, अब मैं पहले थोड़ी दूर में जगह है, एक रिवर के ऊपर रिवर है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और ख़त्म करूंगा मैं जहाँ कि सड़क नीचे है और रिवर ऊपर। ये मेरे सामने है नीचे औज रिवर और उसके ऊपर ये जो पुल आप देख रहे हैं इसके ऊपर ग्रैंड यूनियन कैनाल जाती है। और ये पुल जो था 1800 में बनना शुरू हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1805 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़े दिन बाद टूट गया था। उसको रिपेयर करके दोबारा 2009 में दोबारा शुरू किया गया था। दोस्तों इस कैनाल के साथ साथ ही मैं 6 किलोमीटर की वॉक करने वाला हूँ। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। इसमें रास्ते में नज़र आती है नैरो बोट्स जिसमें कि लोग सालों साल रहते हैं, और भी बहुत शानदार व्यूज़ हैं, इसीलिए मैं आज आया हूँ यहाँ। ये रिवर को नीचे से क्रॉस करने के लिए ये बना था 1919 चलते हैं आगे। ये देखिए जी क्या लाजवाब चीज़ है, अरे वाह, अंधेरा है। ये वाली जो है ये है ग्रैंड यूनियन कैनाल और इसके नीचे ये मेरा ये औज रिवर है और मैं भैया जिंदगी के मजे ले रहा हूँ पूरे। ये है जी मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर कॉस ग्रोव 3/4 माइल। इस साइड पे मैं नहीं जाऊँगा, मैंने ये जो राइट साइड है मेरे वहाँ जाऊँगा, वॉल्वर्टन 1 and 1.4 मतलब सवा मील इधर है और वॉल्वर्टन मिल उससे और आगे स्टोनी शैटफर्ड है, तो मैं चलता हूँ आगे। तो ये अब जो इंट्रोडक्शन तो हो गया ख़त्म और अब मैं पैदल चलने वाला हूँ। ये जो नैरो बोट्स हैं बिल्कुल ये इसी के साथ साथ चलती हैं और कुछ लोग इसमें रहते ही हैं। ये लाइफ जो है बड़ी मज़ेदार है। मैं साथ साथ चल के आपको ये जो ये ग्रेट यूनियन कैनाल इसके बारे में कुछ आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ जितना कि मुझे मालूम है। दोस्तों ये जो ग्रेट यूनियन कैनाल है ये लंदन से बर्मिंघम तक जाती है ये, और ये बनी थी सैकड़ों साल पहले जबकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी जरिया नहीं था। तो मैंने ये पढ़ा था कि इसके साथ साथ ये दोनों तरफ जो है ना ये रास्ते बनाए हुए हैं, ये उधर भी है इधर भी है। तो ये क्या करते थे कि दोनों तरफ चलते थे घोड़े और घोड़ों के इस कैनाल के बीच में जो भी वे ट्रांसपोर्टेशन था ना, जैसे वे उसमें कोई भी मान लिया उसके अंदर सामान रख देते थे, घोड़े दोनों तरफ से खींचते थे और उसकी उस तरीके से ये सामान लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। और ये इनका स्टाइल देखिए, अरे वाह, ये देखिए इसमें ये रिवर के किनारे ये टेबल और चेयर लगा दी है, अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ये रहने वाला जो है गैस के सिलेंडर वगैरह ये डीजल के जनरेटर सब लग रहे हैं इसके अंदर। ये क्या चीज़, अरे वाह, एक और आ गई, मैं अरे चलता हूँ आगे, बहुत सारी नज़र आएंगी। ये देखो ये ग्रेट यूनियन कैनाल में, अरे वाह यार, मज़े आएगा नहीं आपको? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जिंदगी बन गई। हेलो भैया, ये हेलो जी, ये एक हैंडीकैप्ड आदमी है और वे भी अपनी ज़िंदगी के कोई अपने एंजॉय करने की कमी नहीं छोड़ रहा है। ये मोटराइज ये है जो है ना ये उसी से चलती है और ये भाई भी अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहा है। क्या मज़ेदार चीज़ है यार, ये डक्स भी अपने मज़े मार रही हैं। ये एक और नज़ारे हैं जी, पीछे इसके वॉल्वर्टन और इंग्लैंड की जो ट्रेडिशनल है वे चर्च, तो भैया ये तो आएगा ही नज़र। आप दोस्तों यार कुछ इसमें ना अपने
वे लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो अगर नहीं अच्छी लगती है, लेकिन कमेंट जरूर लिखना इसके ऊपर। और एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये इंग्लैंड के गांवों के जो कुछ वीडियो डाली है रूरल एरियाज़ की, तो लोग व्यूज कम नज़र आ रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने कमेंट लिखिए कि कौन सी चीज़ आप प्रेफर करते हैं, बड़े शहरों की या गांवों की। मेरी तो अपनी चॉइस वैसे गांव ही है। सांस चढ़ गया। लो जी, एक और इनकी लाइफ जो नज़र आ रही है, ये लगता है हायर करते होंगे या कुछ करते होंगे। ये साइकिल भी रखा हुआ इन्होंने, लगता है कि जहाँ पार कर देता होगा वहाँ जाके साइकिलिंग करते होंगे। ये इसके अंदर कुछ बैठे हुए लोग नज़र आ रहे थे, तो भैया अगर बाहर निकलेगा तो मैं शायद बात करने की कोशिश करूँगा इससे, लेकिन बाहर निकल नहीं रहा है। और ये प्राइवेट मूरिंग्स, प्लीज़ मैं थोड़ा जूम करूँ, प्राइवेट मूरिंग्स, प्लीज मूर अपोजिट फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक एट द गैलियन। माई गुडनेस, ये दोस्तों, ये रिवर के साथ ही, रादर कैनाल के साथ ही एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट बनाया हुआ लग रहा है कि भैया बिजनेस तो करना है ना, लोग आते होंगे, उसी के साथ ही ये रेस्टोरेंट बना दिया है। मैं जाऊँगा थोड़ा, हाँ दूसरी तरफ जाना पड़ेगा मुझे। क्या शानदार नज़ारे हैं, कैसा लग रहा है आपको यार, कमेंट लिखो ना कुछ इसमें जाके। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा, नहीं मैं जाता नहीं हूँ भैया, दूर से ही देख लेते हैं। वैसे कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा है। द गैलियन, मैं पहुंच गया हूँ जी। वेलकम टू वॉल्वर्टन कैनाल। दिस कैनाल वॉज वंस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट बिटवीन लंडन एंड द मिडलैंड्स। Walk through the medieval village to the stunning iron trunk aqueduct which carried the canal over the river Ouse and the on to Milton Keynes. ये मैं उसके ऊपर से आ गया हूँ। वाह, ये इन्होंने पूरा मैप बनाया हुआ है। मैं यार ये प्रे कर रहा हूँ, एक तो बरसात ना आए क्योंकि मुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, और साथ में भैया कोई बोट के अंदर मुझे जाने दे। हाय। अच्छा, ये इसने पता क्या बोला, आया हम बोलते हैं हाउ आर यू, और ये यहाँ की जो इंग्लैंड का जो इस पार्ट है इसमें वे हाल चाल पूछने के लिए हाया बोलते हैं। और ये लो जी, और दो महिला आ रही हैं, हाथ में पकड़ी हुई है स्टिक्स, और मज़े ले रही हैं ज़िंदगी के पूरे पूरे। ये जो दो लेडीज जा रही थी, इनको मैंने बोला भैया मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, आप कुछ बोलेंगी? कहती नहीं नहीं यूट्यूब पे नहीं बोलना। वैसे उन्होंने मेरे से काफ़ी बात किया, इन्होंने कह रही थी कि हम भी रिटायर्ड हैं और वॉक के लिए आ रहे हैं। उम्र तो उसकी 70 के आसपास लग रही थी, सिक्स पकड़ी हुई थी, तो लेकिन ये देखो अपनी ज़िंदगी का मज़े लेती हैं। सीखो अपने आप भी सीखो और अपने बुज़ुर्गों को भी सिखलाओ। एक और पुल आ गया, ये एक और चीज़ नज़र आ रही है। मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये टीवी का एंटेना है। ये मैं अब इस बोट के सामने पहुंचा हूँ जी, और ये जो एक मैडम नज़र आ रही थी मुझे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे आप प्लीज़ अंदर जाने दीजिए। ओके, हेलो एवरीबॉडी, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू ऑल। आई एम एक्चुअली ऑन द ग्रैंड यूनियन कैनाल। दिस इज माय हॉलिडे हायर बिजनेस बोट। दिस इज हायर। एंड हाउ मेनी पीपल कैन स्टे हियर? Only two. We only have two on here. Right. This is just for adults only, okay. For them to get to have some time away on their own and leave the children behind. Okay. Chalice was built in 1995. I've had to have for 8 years. Okay. The canal is a lovely place to be. Yeah, it seems to be a lovely place. And can be very pretty in the winter with the snow as well. And I just do the bed and breakfast. By the way, how much rent you are charging for this boat? If you do a self drive, a day self drive, and an overnight. What does the day self drive mean? The day self drive is you have you drive the boat yourself. You drive it yourself. You won't be sending any person with the boat for driving. Yes, they do, but they get tuition. Okay. So you would say get on the boat at 12 o'clock. Okay. You'd have a drive. Okay. And you stay overnight with your breakfast pack. Okay.
So you have the kitchenette facilities here inside? I do, kitchen. So you have to bring the raw material yourself or you provide? Yeah, I bring all the stuff for you. You bring, eh? Yeah, I bring your breakfast pack. Okay. That you can cook yourself when you want to. Right, okay. Okay, and I provide the bedding and the towels and everything. How much is the rent for one day? The rent for a day self-drive with an overnight stay is £190. £190. Yeah. So I'm switching on the camera. Okay. Please tell me what is there inside the boat. Right, inside at the back, which you can't actually see, is a small double bed. Which side? Inside. Small double bed. Yes, it'd be further right the way down the end. Oh, I see. Right. Next to that would be a room with a shower cubicle and a toilet and a sink. Toilet and the sink. So this is the kitchenette here. This is the kitchenette area, which is obviously a gas hob. And further back on the right hand side is a small table, which you can't see from here. Okay. And then obviously you've got your sink. Where's the sink? Yeah. The sink is there. A sofa bed. And just around the corner here is a TV. Where's the TV? The TV is just around the corner there. And yes. Ye bol diya ki TV bhi andar rakha hua inhone. Andar to main nahi jaunga. What does this bell mean? The bell means just traditional, just what we have on ships and things. I couldn't get you. The bell on there is what often the ships have. I just fell in love with it and I thought I'd have one on my boat. It is usually you're having a bell on all the ships, eh? No, not all of them. No, what is the exact purpose of the bell? The ship's bell, I'm presuming, it must have been for emergencies if there was any. Emergency, you know? I'm only guessing. But I don't think you are likely to have any emergency here. I hope not. I do hope not. Right. Thank you very much. That's God okay. I मैंने बोला था ना कि मैंना मेरा जो end point रहेगा, जहाँ कि ये river ऊपर होगी और सड़क नीचे होगी, वहाँ तक जाने का मेरा aim है. ये दो आ रही है. इस वाले ने ना जो राइट साइड पे इससे थोड़ा मोड़ के उस साइड पे ऊपर ले गया और ये सामने से एक और आ रही है. ये है जिंदगी. ये देखो, ये भी एक ट्रैफिक है. वैसे केरला में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन वे थोड़ी पुरानी है. अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन वे भी अच्छी चीज़ है. ये है जी, घरों के साथ साथ जो है ये बोर्ड्स और ऊपर ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स. आए हाय, मजे आ गए. आपको कैसा लग रहा है, कुछ कमेंट जरूर लिख देना यार. ये तो भगवान ने मेरे पास मेरी किस्मत में लिखा हुआ है आवारागर्दी करने के लिए. लो जी, कितने वे कंट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं. इधर ये मॉडर्न रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और साथ में ये कैनाल. यू वॉन्ट टू कम इन द वीडियो? ये स्टार्टेड जंपिंग है. जंप अगेन. या नाइस, गुड. हेलो, ये अजी देखो कितना खुश हो गया. ये लगता है कि इसमें रह रहे हैं ये. ये किस्मत अच्छी है या देखने को नज़र आ रहे हैं. ये देखो इसमें जा रहे हैं ये. क्या यहाँ रहते होंगे? ये मैंने अभी ये जो मैं कपल नज़र आ रहा था, इसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप मुझे इसके अंदर जाने दीजिए. वे कहते हैं भैया शक्ल हमारी तो मत दिखलाना. तो ये उन्होंने मुझे परमिशन दी दी है, पहले भी रिकॉर्ड की थी, अब मैं थोड़ा और अंदर जा रहा हूँ. ये जो है ये इन्होंने उसमें सारा ये माइक्रोवेव ओवन लग रही है, ये सिंक है, ये लैपटॉप है या कंप्यूटर रखा हुआ है. What is this, your office here? This is just our living space. ये देखिए साथ में ये जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है बाहर, और ये जो है बोट है. लवली है. ये पंखा भी है. बट हाउ डू यू गेट पावर फ्रॉम द इंजन? फ्रॉम द इंजन. ओके, यू गेट ऑल द पावर. राइट, ये जो इन्होंने पंखा भी रखा हुआ है, ये स्टोर है. आगे बेडरूम है. कैन आई गो इनसाइड? या, थैंक यू. या देखो थोड़ा वे कह रहे कि जो डीजल से इसी से पावर मिलती है,
ये इन्होंने बेडरूम बनाया है, बिल्कुल नैरो बोर्ड्स है, डबल बेड है। व्हाट इज देयर बिहाइंड? टॉयलेट एक्सेट्रा माइट बी। ये पीछे कुछ होगा, टॉयलेट लग रही है मुझे, तो चलता हूँ। टॉयलेट है, दिस इज बाथ, हाँ, शावर। ओके, थैंक यू, वेलकम। ये है ऊपर, अरे लगता है, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है, ये ट्रेन गई, हाँ हाँ ये ट्रेन है। पीछे ना मेरे ट्रीज हैं तो पूरी नज़र नहीं आएगी। यस, ये जैसे इंडिया में रेलवे का सिस्टम होता है ना जी, हर एक पुल के ऊपर ये उनके कुछ नंबर दिए होते हैं, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रैंड यूनियन कैनाल 71A मिल्टन कीस, ये इन्होंने पुल का नंबर दे रखा है इन्होंने। अरे वाह, लवली, आओ या व्हाट ए लाइफ। हाँ, और ये जब मैं चल रहा था तो ये डॉगी साहब भी मुझसे मुलाकात करने के लिए आ गए, मैं थोड़ा डर गया इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी। ये यहाँ की लगता है रहने वाली होगी। अरे वाह, क्या लाइफस्टाइल है, हाउ आर यू? हाँ जी दोस्तों, मेरी आज की यात्रा लगता है समाप्त होने वाली है, और ये जो मेरे पीछे जो है, ये जो जगह है, ये जहाँ मैंने बोला था स्टार्ट करने के टाइम कि मैंने स्टार्ट की थी रिवर के ऊपर रिवर, और मैं ख़त्म करने वाला हूँ रिवर के नीचे सड़क, ये मुझे नज़र आ रही है, तकरीबन 100-150 गज आगे है। हाय, ये मुझे मिले थे जिनकी मैं बोट के अंदर गया था, ये जा रहे हैं, कितना अच्छा, ये देखो, अरे बहुत अच्छा चांस बन रहा है, मीटिंग यू अगेन। ये इनकी बोट के ऊपर मैं गया था, ये है जी, और ये लोग अभी ये घूमने भी बहुत आते हैं। ये अभी मुझे जब मैं बेंच के ऊपर बैठा था तो मुझे एक इंडिया की एक लेडी मिली थी, ये भाई साहब साइकिल चला रहे हैं जी। जहाँ तक ये आज की मेरी डेस्टिनेशन है, मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखो जी क्या ज़िंदगी के नज़ारे हैं, ये ऊपर कैनाल है, आहा, और नीचे ये रोड है, देख रहे यहाँ से ये कैनाल, मैं देखता हूँ कि ये नज़र आ रही है, ये देखो जी, ये कैनाल है, नीचे रोड है, ये मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, ये दोनों चीज़ नज़र आएंगी। इस जगह का नाम है ग्राफ्टन स्ट्रीट। ये लो जी, सोने पे सुहागा, ये तीन चीज़ें मिल गई, ये रोबोट है जिसकी कि मैंने पहले वीडियो डाली थी, ये सड़क है और ये कैनाल है, ऐसे मौके कहाँ मिलेंगे भाई साहब। ये देखो जी, ये रोबोट चल रहा है घर में सामान देने के लिए लोगों को लिए, ये ग्राफ्टन स्ट्रीट है और ये ग्रैंड यूनियन कैनाल है, बहुत ही बढ़िया।